जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज के दैनिक पंचांग के बारे में, व्रत के बारे में और आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक 26 फरवरी 2023 दिन रविवार। रविवार भगवान सूर्य देव का दिन माना गया है। आज जिनका भी जन्मदिन है उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका भी विवाह का सालगिरह है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल पे आप जितने भी व्रत और कथा को सुनने वाले हैं तथा पंचांग को सुनने वाले हैं, आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान सूर्य देव का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें। आज फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि होगी रात्रि 1 बजे तक। आज के दिन जो कि अर्कपूट सप्तमी का व्रत किया जाएगा, कामदा सप्तमी का व्रत किया जाएगा, भानु सप्तमी का व्रत किया जाएगा और कल के दिन जो कि लक्ष्मी सीता अष्टमी का व्रत किया जाएगा। अगर आप सब विशेष प्रकार से कामदा सप्तमी व्रत के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है या हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप लिंक के माध्यम से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। या आप सब फाल्गुन शुक्ल एकादशी व्रत प्रदोष व्रत के बारे में जानना चाहते हो तो उन सभी का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। आज सूर्योदय सुबह 6:24 और सूर्यास्त शाम 5:58, चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे सुबह 10:20 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे रात्रि 12:13 पे। सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा मेष राशि में। यह वसंत ऋतु है, अयन उत्तरायण रहेगा। योग इंद्र योग शाम 4:27 तक, उसके बाद वैधृति योग। आज त्रिपुष्कर योग भी होगा जो कि सुबह 6:50 से रात्रि 12:58 तक। आज का विजय मुहूर्त समय दोपहर 2:29 से दोपहर 3:15 तक। आज का गोधूली मुहूर्त समय जो कि शाम 6:07 से शाम 6:31 तक। आज का निशिताकाल मुहूर्त समय जो कि रात्रि 12:09 से रात्रि 12:59 तक। करण गरकरण दोपहर 12:33 तक, उसके बाद वनिजकरण। नक्षत्र की बात करें तो कृतिका नक्षत्र अगले दिन सुबह 5:19 तक, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र। दिशाशूल की बात करें तो आज रविवार दिन होने के कारण आज के दिन दक्षिण पश्चिम और नैऋत्य दिशा की यात्रा ना करें, यह लाभकारी नहीं होगा। अगर ज्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज के दिन घर से दलिया और घी खाकर बाहर निकले या पान खाकर बाहर निकले, इससे पहले 5 कदम पीछे चले फिर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। आज रविवार का दिन है और कामदा सप्तमी का दिन है तो आज के दिन विशेष प्रकार से भगवान सूर्य देव का पूजन करें तो बड़ा ही लाभकारी होगा और पुण्य फलदायी होगा। अब आइए जानते हैं आज के राहु काल समय के बारे में। राहु काल समय की बात करें तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो आज का राहु काल समय होगा शाम 4:31 से शाम 5:58 तक। आज का गुली कालम समय होगा दोपहर 3:04 से शाम 4:30 तक। आज का अभिजीत मुहूर्त समय सुबह 11:48 से दोपहर 12:34 तक। अब आइए जानते हैं आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। चौघड़िया 7 प्रकार की होती है जिसमें से कि 4 शुभ चौघड़िया मुहूर्त और 3 अशुभ चौघड़िया मुहूर्त। तो हम जानेंगे केवल आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 7:50 से सुबह 9:17 तक। उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 9:17 से सुबह 10:44 तक। उसके बाद फिर अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 10:44 से दोपहर 12:11 तक। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 1:37 से
दोपहर 3:04 तक। तो यह थी दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। अब आइए जानते हैं रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में, जो कि शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त शाम 5:59 से शाम 7:31 तक। उसके बाद फिर अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 7:31 से रात्रि 9:04 तक। उसके बाद फिर चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 9:04 से रात्रि 10:37 तक। उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 1:44 से रात्रि 3:17 तक। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त अगले दिन सुबह 4:50 से सुबह 6:24 तक। तो यह थी दिन और रात्रि की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। यह विक्रम संवत 2079 रक्षा है और शक संवत 1944 शुभकृत। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।